देखिए इस एक्सरसाइज में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में था, प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। उसकी ये फार्मूला, दिस इज टू साइन ए कॉस ए, प्रोडक्ट है यहाँ पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको रिवर्स इसका करते हैं प्रोसेस तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी एंड प्लस ए माइनस बी अपॉन टू, बी से बी कैंसिल हो गया, टू ए अपॉन टू इज इक्वल टू क्या आ गया आपका साइन ए ही आ गया, एंड दिस इज कॉस ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, यहां पर भी आपका क्या आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस बी होगा अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू कॉस बी। तो अपने पास जो नए फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप, जैसे आपके पास टू साइन ए कॉस बी था, आपने क्या क्या किसके किस फॉर्म में, इस फॉर्म में एज ए सम ऑफ डिफरेंस की फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं, एंड इस चीज को आप वापस इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम अपॉन टू साइन लगेगा फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ कॉस, ये एंगल माइनस ये एंगल और अपॉन टू आ जाए। तो देखिए यहां पर फॉर्मूले है साइन साइन सी प्लस साइन डी, ये सी डी फॉर्मूले से फेमस है, दिस इज साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज इक्वल टू, इसी से कंपेयर करते हुए क्या आ जाएगा, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। सेकंड है आपका साइन साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज इक्वल टू टू, दिस इज कॉस, कॉस आएगा इसमें, दिस इज कॉस सी प्लस डी अपॉन टू एंड साइन सी माइनस डी अपॉन टू। नेक्स्ट है आपके पास कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, दिस इज इक्वल टू टू कॉस, दोनों कॉस में आएंगे, कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू। एंड नेक्स्ट है आपका कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें रिवर्स हो जाता है, आपने वैसे भी किया था कि क्या आपके पास था टू साइन ए एंड साइन बी, इसको आपने कैसे किया था, कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी, इसी तरह से इसका जब वापस इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज टू साइन, दोनों साइन में आएंगे, कॉस में है बीच में माइनस है, दोनों साइन के ही टेरेशियोज आएंगे, क्या आएगा टू साइन c प्लस डी बाई टू एंड साइन डी माइनस सी बाई टू, साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बार बार आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बार बार इस्तेमाल होंगे तभी ये याद हो सकते हैं। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं इन्हीं फार्मूलों के ऊपर, दिस इज अगर आपके पास है साइन फोर एक्स प्लस साइन एक्स, कैसे लिखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन टू साइन, दोनों आर्ग्यूमेंट्स का सम, दिस इज फोर एक्स प्लस एक्स अपॉन टू एंड कॉस फोर एक्स माइनस एक्स अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू टू साइन फाइव एक्स अपॉन टू एंड दिस इज कॉस थ्री एक्स अपॉन टू। सिमिलरली और एग्जाम्पल लें आप, लाइक साइन 80 माइनस साइन 80 माइनस साइन 20, साइन 80 माइनस साइन 20 क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2, साइन सी माइनस साइन डी है तो फर्स्ट कॉस आएगा जिसमें प्लस होगा आर्गुमेंट्स का, क्या आ जाएगा 2 कॉस 80 प्लस 20 अपॉन 2 एंड साइन साइन क्या आएगा आपके पास 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास क्या 2 cos 50 एंड sin, दिस इज 80 माइनस 20 60
अपॉन टू, दिस इज 30, साइन 30 वन बाई टू होता है, 2 इंटू कॉस 50 इंटू वन बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस 50 के इक्वल आ गया। तो ये सारी एक्सरसाइज इन्हीं फार्मूलों के ऊपर, यही फार्मूला ही आपके अप्लाई होंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। जैसे देखिए आपको दे रखा है, दिस इज साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एंड साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन, देन साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू एम प्लस सॉरी एम अपॉन एन। अब देखिए टेन एक्स और टेन वाई में रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकलेगा, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कल बताया था आपको दिस इज साइन एक्स प्लस वाई एंड प्लस क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई अब माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब इसमें दिस इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब इसमें सी डी फार्मूला लगा देंगे, दिस इज सी एंड दिस इज डी, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू दिस इज साइन सी प्लस डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, टू एक्स आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन टू एंड कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा अपॉन टू, अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज टू कॉस सी माइनस डी है तो फर्स्ट कॉस आएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन टू एंड साइन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा प्लस वाई अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। तो आपके पास ये क्या बचा, दिस इज वाई से वाई कैंसिल हो गया, दिस इज टू एक्स बाई टू, दिस इज इक्वल टू टू साइन एक्स एंड ये है कॉस वाई अपॉन टू कॉस एक्स एंड साइन वाई, दिस इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू टेन एक्स एंड ये क्या आ जाएगा इंटू कॉट वाई, दिस इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन इंटू वन बाई कॉट वाई, कॉट वाई क्या हो जाएगा टेन वाई, दिस इज टेन वाई इंटू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। बहुत सिंपली डायरेक्ट ये फार्मूले अप्लाई करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन निकाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपके पास प्रूव दैट cos x plus y cos x plus cos y raised to power 2 plus this is sin x minus sin y plus sin x minus sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 किसका स्क्वायर cos स्क्वायर x into x plus y by 2 x प्लस वाई बाई टू, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसमें अगर आप सी डी फार्मूला लगा दें क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू टू एंड दिस इज कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू इसका होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई टोटल का स्केयर, टू का स्केयर फोर हो गया, टू कॉस स्केयर एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, दिस इज फोर कॉस स्केयर एक्स प्लस वाई बाई टू
कॉमन एरिया आपके पास अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू वन। सो आंसर क्या है आपके पास, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू दिस इज द आंसर। यही प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से लेते हैं। दिस इज ये कह रहा है कि कॉस 15 माइनस साइन 15 प्रूव करो कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। नेक्स्ट है आपके पास साइन 51, साइन 51 प्लस कॉस 81, कॉस 81 इज इक्वल टू प्रूव करना है कॉस 21 इज इक्वल टू कॉस 21 प्रूव करना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 1 बाई स्क्वायर रूट 2 के इक्वल प्रूव करना है इसको। तो क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस 15 माइनस साइन 15 है, लेकिन सीधी फार्मूले हम या तो दोनों यहां पर कॉस होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए साइन, तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम दिस इज कॉस 90 माइनस 75 एंड माइनस साइन 15, क्योंकि 90 माइनस 75 15 ही होता है एंड कॉस 90 के ऊपर टीरी से चेंज होंगे साइन हो जाएगा। कॉस फर्स्ट पार्टनर पॉजिटिव होता है, साइन 75 माइनस साइन 15 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस दोनों का सम दिस इज 90 अपॉन 2 एंड साइन दोनों का डिफरेंस दिस इज 60 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 2 कॉस 45 एंड साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 2, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इज 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया दिस इज इक्वल टू क्या 1 बाई रूट ऑफ 2 सर दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इसी नेचर का क्वेश्चन है। एक आपके पास साइन 51 है एंड प्लस कॉस 81 है, आपको कॉस 21 के इक्वल प्रूव करना है। सीटी फार्मूले लगाएंगे तो दोनों टी रेशियो सेम होने चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे साइन दिस इज 90 माइनस क्या आएगा 39 एंड प्लस कॉस 81 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस 39 एंड प्लस कॉस 81। अब सीटी फार्मूला लगाएंगे दिस इज 2 कॉस 39 प्लस 81 अपॉन 2 एंड कॉस 39 माइनस 81 अपॉन 2 दिस इज 2 कॉस ये क्या आ गया 45 आ गए एंड दिस इज कितना हो गया ये दिस इज 40 ये देखिए 9 और 10 120 अपॉन 2 दिस इज कॉस ये क्या आएगा डिफरेंस 81 माइनस दिस इज 2 एंड 4 दिस इज 42 अपॉन 2 दिस इज कॉल टू क्या आएगा 2 कॉस 60 अपॉन 60 और कॉस 21 कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है दिस इज कॉल टू 1 बाई 2 सो 2 इंटू 1 बाई 2 और इंटू कॉस 21 दिस इज कॉल टू कॉस 21 यही चीज आपको प्रूव करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन है साइन अल्फा दिस इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 और इंटू साइन गामा प्लस साइन गामा
प्लस अल्फा अपॉन टू, ये चीज आपको प्रूव करनी है। दिस इज साइन अल्फा प्लस गामा अपॉन टू। तो देखिए इन दोनों के ऊपर सीधी फार्मूला लगा दें और इन दोनों के ऊपर सीधी फार्मूला लगा दें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, दोनों का सम अपॉन टू एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, प्लस इसमें सीधी फार्मूला लगाएंगे दिस इज टू कॉस दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस दिस इज गामा टू गामा बाई टू एंड इन टू साइन, साइन क्या आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, साइन आएगा आपके पास दिस इज गामा माइनस गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। ये आप देखिए दिस इज टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो क्या आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा अपॉन टू एंड साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अब यहां से दोनों में से टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमन ले सकते हैं तो ये आएगा आपके पास टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अंदर क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा अपॉन टू। अब इसमें सीधी फार्मूला फिर लगा सकते हैं, दोनों ही कोसाइन में है तो क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये बचेगा आपके पास टू साइन दोनों का सम करेंगे अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा अपॉन टू, ऑलरेडी था एक टू टू अपॉन टू दिस इज फोर हो जाएगा एक टू और करेंगे एंड दिस इज साइन, साइन क्या होता है बीच में माइनस हो तो हमें फार्मूला पता है कॉस सी माइनस कॉस डी दिस इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। देखिए यहां पर रिवर्स हो जाता है केस, बाकी सभी में क्या आता है सी माइनस डी आता है लेकिन कॉस के केस में क्या आएगा आपका डी माइनस सी, तो यहां पर डी ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा माइनस गामा टू गामा सॉरी माइनस अल्फा माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, टू ऑलरेडी दोनों के नीचे है अपॉन क्या आ गया फोर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू टू साइन, देखिए क्या है बीटा से बीटा कैंसिल हो गया टू अल्फा प्लस टू गामा दिस इज अल्फा प्लस गामा अपॉन टू एंड ये यहां से क्या अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया बीटा टू बीटा प्लस टू गामा बाय फोर है तो क्या आ जाएगा साइन बीटा प्लस गामा अपॉन टू। इसको रीअरेंज कर दो क्या आ जाएगा बस दिस इज फोर साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू साइन बीटा प्लस गामा बाई टू एंड साइन गामा प्लस अल्फा बाई टू। बिल्कुल आपको लाइन से सीधा जो कंसेप्ट आपको पता है वही लगाते जाना है, उससे भटकना ही नहीं है, 1% भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दिस इज साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री, अल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री प्लस साइन अल्फा प्लस फोर पाई बाई थ्री इज इक्वल टू प्रूव करना है जीरो के इक्वल टू करना, ये जीरो है। देखिए साइन अल्फा अगर हम एज इट इज रखें
इनमें सी डी का फॉर्मूला लगा दे, साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज सी दिस इज डी, क्या आ जाएगा, दिस इज टू साइन दोनों का सम अल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री प्लस अल्फा प्लस फोर पाई बाई थ्री अपॉन टू, एंड दोनों का डिफरेंस लेंगे, दिस इज कॉस अल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री माइनस अल्फा माइनस फोर पाई बाई थ्री अपॉन दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फा प्लस, देखिए टू अल्फा बाई टू अल्फा बचेगा, दिस इज टू पाई बाई थ्री फोर पाई बाई थ्री क्या हो गया आपके पास टू पाई हो गया, तो टू साइन पाई प्लस अल्फा, टू साइन पाई प्लस अल्फा दिस इज सिक्स पाई अपॉन थ्री दिस इज टू पाई, टू पाई के अपॉन टू है क्या हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, एंड ये आएगा आपके पास कॉस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया इनटू क्या आ जाएगा दिस इज माइनस माइनस पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सॉरी देखिए यह आएगा माइनस टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री यस सो क्या लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस टू साइन साइन अल्फा पाई प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट है दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में साइन कैसा होता है नेगेटिव एंड पाई के ऊपर डिनोमिनेटर चेंज नहीं होते हैं तो यह आ जाएगा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास कॉस थीटा तो दिस इज कॉस पाई बाई थ्री दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस टू साइन अल्फा एंड इन टू वन बाई टू ये इससे कैंसिल हो गया साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से इसमें कॉस होता तो भी आप कॉस अल्फा को एडिटिव रख लो बाकी में आप सेमी फॉर्मूला रख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है कि कॉस थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस सेवन एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स सॉरी दिस इज फाइव एक्स प्लस कॉस सेवन एक्स एंड प्लस कॉस फिफ्टीन एक्स कॉस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको दिस इज फोर कॉस फोर एक्स टेंथ का फर्स्ट फोर कॉस बोलना फोर कॉस फोर एक्स कॉस फाइव एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स ये प्रूव करना है दिस इज कॉस आप देखिए आपके पास दिस इज एक्स है दिस इज एक्स क्या आ जाएगा अगर आप फोर एक्स लेके आना आपको फाइव एक्स अगर आप इसको और इसको 18 बनता है सर ये 12 बनता है कोई भी ले लो दिस इज इसमें और इसमें सी डी फार्मूला लगा दे इसमें और इसमें सी डी फार्मूला लगा दे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी दिस इज टू कॉस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स अपॉन टू कॉस सी प्लस डी इन टू कॉस सी माइनस डी थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन टू प्लस क्या आ जाएगा दिस इज टू कॉस सेवन एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स अपॉन टू एंड कॉस सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स अपॉन टू दिस इज इक्वल टू टू कॉस फोर एक्स एंड दिस इज कॉस माइनस एक्स एंड प्लस दिस इज कॉस टू कॉस ट्वेंटी टू इलेवन एक्स एंड प्लस इन टू कॉस माइनस फोर एक्स सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स आपके पास माइनस एट एक्स बचेगा टू से डिवाइड करेंगे अब वही बात हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है सो दिस इज टू कॉस फोर एक्स इसमें भी है
इसमें भी हो। देखिए एक बार एक स्टेम लो, 2 cos 4x and into cos x plus 2 cos 11x plus into cos 4x, into cos 4x, 2 cos 4x कॉमन ले सकते हैं, 2 cos 4x कॉमन लिया, अंदर बचेगा आपके पास this is cos x plus cos 4x, sorry 11x, cos 11x, क्या आ जाएगा, this is 2 cos 4x, इसमें अगेन वी शैल यूज शेडी फार्मूला, क्या आ जाएगा, दिस इज 2 cos x plus 12 11x by 2 एंड cos x minus 11x by 2, दिस इज इक्वल टू 2 cos 4x एंड 2 cos दिस इज 12x by दिस इज 2 cos 6x, ये आ जाएगा cos माइनस 5x, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये टोटल फैक्टर किसके इक्वल आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 2 into 2 दिस इज 4 cos 4x cos 5x into cos 6x एंड यही आपको प्रूव करना है, यही चीज आपको प्रूव करनी है। नेक्स्ट देखिए, लाइट ऑन कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज साइन 11 ए साइन ए प्लस साइन 7 ए साइन 3 ए अपॉन दिस इज कॉस 11 ए साइन ए प्लस ये आपके पास cos 7 a एंड sin 3 a एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 10 a take equal, दिस यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 10 8 a। तो देखिए अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज 2 साइन 11 ए एंड साइन ए प्लस 2 कॉस साइन 7 ए एंड साइन 3 ए अपॉन 2 कॉस 11 ए साइन ए प्लस 2 कॉस 7 ए और साइन 3 ए। अगर आप ए भी जो प्रीवियस एक्सरसाइज में थे आप उनको यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी दिस इज कॉस 10 ए माइनस कॉस माइनस कॉस दोनों का सम दिस इज 12 ए। देखिए इसको वापस करके देखेंगे, हमें ये पता है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2। अगर इसको अप्लाई करके देखें फिर दोबारा से, सी आपके पास कितना है 10 है और डी कितना है 12 है, क्या आ जाएगा, दिस इज 2 साइन दोनों का सम दिस इज 22 बाई 2 11 साइन 11 ए एंड साइन डी माइनस सी 12 माइनस 10 12 माइनस 10 अपॉन 2 साइन ए, वही बात आती है। इसी तरह से इसको कैसे कर देंगे, दिस इज कॉस दोनों का डिफरेंस 4 ए माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस दोनों का सम 10 ए अपॉन ये आ जाएगा कॉस पहले है फिर साइन है, दिस इज साइन दोनों का सम दिस इज 12 ए माइनस साइन दोनों का डिफरेंस दिस इज 10 ए एंड प्लस आ जाएगा आपके पास साइन 10 ए एंड माइनस माइनस साइन दोनों का डिफरेंस दिस इज 4 ए दिस इज 4 ए। यहां पर साइन 10 ए से साइन 10 ए कैंसिल हो गया
एंड cos tan a से cos tan a कैंसिल हो गया, क्या आएगा आपके पास, दिस फैक्टर विल बी cos 4a, cos 4a माइनस cos 12a, माइनस cos 12a अपॉन दिस इज sin 12a, sin 12a माइनस sin 4a, इसमें फिर से डी फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा ऊपर cos c माइनस cos d, 2 sin दोनों का सम, दिस इज 16 बाई 2 8a एंड sin d माइनस c बाई 2 8 अपॉन 2 दिस इज 4a, नीचे आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 4a है, दिस इज 4a, नीचे आ जाएगा 2 sin c माइनस sin d, 2 cos दोनों का सम अपॉन 2 दिस इज 8a और sin दोनों का डिफरेंस दिस इज 8a अपॉन 2 दिस इज 4a, sin 4a से sin 4a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास a tan 8a, दिस इज द आंसर, दिस इज tan 8a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका प्रूव करना है, टू प्रूव दैट cos x माइनस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू cos 2x। देखिए इसको और इसको दोनों प्लस के हैं, साथ ले लो इनको, cos x प्लस cos 3x माइनस cos 2x एंड नीचे क्या कर ले sin x एंड प्लस साइन 3x माइनस साइन 2x, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें सी डी फार्मूला लगा दो, cos c प्लस cos d, 2 cos दोनों का सम बाई 2 दिस इज 2x एंड दोनों का डिफरेंस दिस इज cos x माइनस 2x दिस इज माइनस 2x बाई 2 दिस इज cos माइनस cos x एंड माइनस cos 2x अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज 2 साइन दोनों का सम दिस इज 2x एंड cos दोनों का डिफरेंस x माइनस 3x माइनस x एंड माइनस साइन 2x। अगर यहां से ऊपर से cos 2x कॉमन ले सकते हैं, cos 2x कॉमन ले लें, cos 2x अंदर क्या बचेगा आपके पास 2 cos माइनस x, cos x इक्वल ही होता है cos x माइनस 1 एंड अपॉन यहां से sin x sin 2x कॉमन ले लें, ये बचेगा आपके पास 2 cos x माइनस 1 एंड यहां से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, दिस इज 2 नहीं आएगा, 2 अंदर ही रहे, दिस इज cos 2x अपॉन sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव टू दैट cot 4x, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ले लो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू cos 4x अपॉन sin 4x एंड इसमें सीधी फार्मूला लगाएंगे, दिस इज 2 cos दिस इज 2 sin सॉरी दिस इज 2 sin दिस इज 2 sin 5x प्लस 3x 8x अपॉन दिस इज 4x एंड sin 4x माइनस 3x दिस इज sin x दिस इज sin x sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 cos 4x एंड इनटू sin x इनटू sin x। ये नेक्स्ट देखिए, राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड क्या आएगी आपके पास, राइट हैंड साइड में लिखा है दिस इज cot x इनटू sin x माइनस साइन सॉरी दिस इज 5x माइनस साइन 3x दिस इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x एंड दिस इज सी डी फार्मूला लगाएंगे, 2 cos दोनों का सम दिस इज 4x 2 cos 4x एंड sin दोनों का डिफरेंस 2x अपॉन 2 दिस इज x sin x से sin x कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये आपका cos x था सॉरी
इसमें सीडी फार्मूला लगाया, आपके पास क्या था, साइन था, पहला साइन है, दूसरा कॉस है, कॉस एक्स आएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स, दिस इज कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, टू कॉस फोर एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही जो करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप करते कर सकते हैं, साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ऑनवर्ड अब आगे फोकस करिए, उसके कुछ डीपीपी भी डालता हूं, लेकिन इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री भी करिए, बहुत इजी है पोर्शन आ रहा है तो, और उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।